अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी कराची एडमिशन 2023 के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं, इन प्रोग्राम के लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है, इन प्रोग्राम से हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ होने वाला है, इन प्रोग्राम में हमें स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी मिलेगी, एट दी एंड जो है वो आपको एडमिशन के बारे में कम्प्लीट डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया और इसे ओपन करते साथ ही हमारे सामने कुछ हाईलाइट्स जो है वो इस तरह से शो हो रही हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल प्रोग्राम्स की, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं इनके पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स हैं। और जिन प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन है उसके लिए आप जो है सिंपल एडमिशन पर क्लिक करके जो है वो एडमिशन वाले पेज पर इस तरह से आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे पास टॉप पर जो है वो अंडर ग्रेजुएट हैं, जिनमें बीबीए प्रोग्राम है, BS सप्लाई चेन एंड डाटा एनालिटिक्स है, फिर BS फाइन टेक है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर BE कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है और BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS बायो साइंसिस है, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS साइकोलॉजी, BS इंग्लिश और बैचलर ऑफ एजुकेशन है, BA 4 साल प्रोग्राम है, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन है, BA 2.5 ईयर प्रोग्राम है, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन है, BA 1.5 ईयर प्रोग्राम है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो MBA प्रोग्राम अवेलेबल है ग्रेजुएट में, फिर इनके पास जो है वो MBA 3.5 ईयर प्रोग्राम अवेलेबल है, फिर MS मैनेजमेंट साइंसेज का प्रोग्राम अवेलेबल है, फिर जो है वो MS कंप्यूटर साइंस है, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और MS बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, MS बायोटेक्नोलॉजी एंड MS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट पे डॉक्टरेट प्रोग्राम है, जिसमें PhD मैनेजमेंट साइंसेज है, PhD कंप्यूटर साइंस और PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं एडमिशन के लिए अवेलेबल है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एडमिशन शेड्यूल की, तो उसके लिए जो है मैंने शेड्यूल अपने पास यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इसमें जो एडमिशन अनाउंस हुए थे वो 4 जून 2023 को हुए थे, राउंड 2 है इनके पास फॉल 2023 का, और ओपन हाउस इसका जो है वो सैटरडे 5 अगस्त 2023 तक है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो सबमिशन की जो डेडलाइन है वो 12 अगस्त 2023 है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना। मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होगा एडमिशन टेस्ट मैट का, वो यहाँ पर 13 अगस्त 2023 को होगा। अनाउंसमेंट ऑफ मैट रिजल्ट होगी 15 अगस्त को। इंटरव्यूज MSMPhil वालों के और PhD वालों के होने हैं तो फिर वो 16 से 19 अगस्त को होंगे, और मैट लिस्ट इनकी 20 अगस्त को लग जाएगी, और ओरिएंटेशन सेशन इनका जो है 9 सितंबर को है, और आपकी जो क्लासेस है वो 11 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है मंडे से। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो सभी प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 1500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एडमिशन फी 15,000 है, वो भी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फी इन्होंने पर गेट आर के हिसाब लगाई हुई है, मतलब यहाँ पर BS इंग्लिश का पर गेट आर 4500 बन रहा है, BS एजुकेशन का भी 4500, BEd का भी यहाँ पर 4500 बनता है, BBA, BS साइकोलॉजी इनका आप देख सकते हैं 7000 पर ग्रेड आर के हिसाब से बनना है, ठीक है। अब ग्रेड आर का मतलब टोटल हिसाब किताब क्या है भी हम चेक कर लेते हैं। तो पर ग्रेड आर के हिसाब से फी बताई हुई थी, तो अभी हम यहाँ पे सिंपली एक प्रोग्राम जैसे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो हम इसके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैंने क्लिक किया, तो उसके यहाँ पर आई थिंक जो हमें ग्रेड आर टोटल मिल जाते हैं, मतलब इसमें हमें क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, और ग्रेड आर अगर मिल जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने टोटल और ग्रेड आर मल्टीप्लाई बाय पर ग्रेड आर के हिसाब से। डिग्री प्रोग्राम जो है थ्योरी ग्रेड आर 2 हैं, टोटल ग्रेड आर 2 हो गए, ठीक है जी। इंग्लिश 1 है, कंप्रिहेंशन हो गया, नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ग्रेड आर जो है वो सब्जेक्ट दे दिया कि इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है, फिर इंजीनियरिंग कोर्स है, जैसे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसके 38 ग्रेड आर्स बनते हैं एक सेमेस्टर के, ठीक है। तो हम सिंपली 38 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पर ग्रेड आर से। जैसे BS साइकोलॉजी का 7000 बना था फी, ये मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज BS कंप्यूटर साइंस है ना, तो उसके ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, उसके 38 ग्रेड आर्स बनते हैं। आपने सिंपली 38 को मल्टीप्लाई कर देना 7000 के साथ, तो ऐसा करके आपको जिसको मैं फीस स्ट्रक्चर आपका निकल आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब अगर आपके जो है इंटरमीडिएट के अंदर जो मैथ स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल दे रही, अगर आपके 80% से अबव नंबर हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप अपना CGPA 4x4 रखते हैं सेकंड सेमेस्टर का, तो भी आपको स्कॉलरशिप 100% तक मिल रही है। अगर अपना आपको रिजल्ट इंटरमीडिएट का वो 75 से 80 के बीच में, तो आपको 75% तक ट्यूशन फी आपकी। अपना CGPA 3.9 से अबव रखते हैं तो आप
50% स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। 70 से 75 के बीच परसेंटेज रखते हैं इंटरमीडिएट की तो 50% स्कॉलरशिप है। इस तरह 3.75 से 3.89 के बीच जी रखेंगे तो 25% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। डी वाले के लिए अलग से लिखा हुआ है, ए लेवल वर्ग के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी अगर हम बात करें अप्लाई ऑनलाइन की, हमने अप्लाई करना किस तरह से है, तो उसके लिए हमें जो है सिंपली यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते साथ ही हमारे सामने जो है इसका एडमिशन पोर्टल इस तरह से शो हो गया, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास इसका एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर आपने हमने क्रिएट अकाउंट करना है, सबमिट दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे दी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें सिंपली व्यू वेबसाइट एडमिशन प्रोसीजर आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर क्यूज उनसे पूछ सकते हैं यूजर नेम क्रिएट अकाउंट, तो मैं सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना नेम लिख देंगे आप, जो भी आपका नेम है, मोबाइल नंबर लिख देंगे अपना, यहाँ पर अपना मिडिल नेम लिख देंगे, अगर कोई है तो ठीक है, अदरवाइज जाने दें इसको। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप लड़का हैं लड़की हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अपना लास्ट नेम अगर किया है तो ठीक है, अदरवाइज अपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिख देंगे, आपने इंटरमीडिएट किए जो भी किए। प्रोग्राम इंटरेस्ट किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं लेट्स सपोज अप्लाई करना चाहता हूँ बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस बीएससी इसके लिए, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना, एंड सबमिट पर क्लिक करते साथ ही आपके सामने जो है इस तरह थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एग्जाम वगैरह भी कर सकते हैं। तो पहले आपको जो है वो अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के लिए देखिए अपना नेम, फादर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सीएनएससी नंबर, अपलोड पिक्चर कर देंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, सिटी कराची हो जाएगा आपका, इंटरमीडिएट हो गया, परसेंटेज या सीजीपी जो भी था आपका, ठीक है। प्रोग्राम प्रेफरेंस आप 3 प्रोग्राम चूज़ करेंगे, देन आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपका थोड़ा बहुत आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, तो इस तरह की आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपके पास जो है इसका जो चलान फॉर्म है वो जनरेट होगा, जिसे आपको जो है वो डाउनलोड करके पे करना होगा, उसके बाद आपका आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो उससे करके आपका अप्लाई होगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी, अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो का मतलब की क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी।